छंद मुखी एकच नाव जयघोष करतो जगदंब जगदंब अखंड हिंदुत्वचे आराध्य दैवत राजे इशू छत्रपतींच्या चरणी माझा मानाचा मुजरा अर्पण करतो. आणि मी प्रथम चव्हाण द व्हॉइस ऑफ वोरप कल्याण ग्रामीण समालोचन कक्षातून आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिक प्रेक्षकांचं शब्द सुमनाने स्वागत करतो. याची देही याची डोळा क्रिकेटचा दैदीप्यमान सोहळा सोहळा आनंदाचा गजर क्रिकेटचा सहा षटकांचं पूर्वार्थ सहा षटकांचं उत्तरार्थ आणि त्यामध्ये नटलेला क्रिकेटचं महासंग्रामी नाटक. पहिला चेंडू पाहायला गेलं तर आउटसाइड लेग स्टंप होता. पंचांचे दोन्ही आज समांतर धावा मिळतील. अव्वांतर आणि अव्वांतरच्या धावेने संघाचा अकाउंट इथे ओपन होणार. एक धाव जी मात्र धाव फलकावरती असेल. दरम्यान आपण पाहू शकतो सलामीचे दोन फलंदाज. स्ट्रायकर एंडवरती असेल तो म्हणजे अल्तमाश आणि नॉन स्ट्रायकर एंडवरती असेल हेमंत. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील देखील पहिलं षटक घेऊन येतोय तो म्हणजे ऋषभ गायकवाड ऑन द बॉलिंग मार्क. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज. इथे स्वीपचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख फटका फटका नाही तर गोलंदाजाला हा होता झटका. चेंडू सरळ निघून जातोय सीमारेषा पार. येतो इनिंगचा पहिला ब्लास्ट आउट ऑफ द पार्क चौकार. पुन्हा एकदा टाकायला लागला तो म्हणजे ऋषभला. त्या चेंडूवरती चौकार आला होता. संघाचा अकाउंट पाच या आकड्यावरती आपण पाहू शकतो. पहिल्या चेंडूवरती वर्चस्व फलंदाज गाजवत असताना गोलंदाजची पिटाई कुटाई चंपी मरमत जे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा होत असताना पायचे कमबॅक होतोय का, कारण कॅलिबर जो मात्र ऋषभमध्ये खूप आहे आणि त्याचमुळे त्याला पॉवर प्लेची ओव्हर जी मात्र मिळाली. यावेळेस कट केलेला चेंडू आपण पाहू शकतो. चेंडू मिडविकेटला ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक झाले फंबल. तोपर्यंत जिथं सिंगल मिळाली पाहिजे होती तिथं मात्र दोन धावा ज्या मिळाल्या. म्हणतात ना हमे तो अपनो ने लुटा गेरो में कहा दमता अपनी कष्टी वाढ उभी जापे पाणी गमता. अगदी आपल्या क्षेत्ररक्षकानेच केली फंबलनेच चुकी केली आणि त्याचं एक धावेचं रूपांतर दोन धावींमध्ये झालं. संघाचा अकाउंट दोन्ही पुढे जात असताना सात धावा ज्या मात्र धावा फलकावरती. गोलंदाज सज्ज होत असताना पुन्हा एकदा ऑन द बॉलिंग मार्क. इथे बॅटीची कडा आणि फ्लाय इन टू दी ड्रॉप इन टू दी फिंगर झटका क्रमांक पहिला लागत असताना फॉर द टीम नेव्हीटेक रायडर्स अल्तमेशला परतायला लागतंय टुवर्ड्स द पवेलियन. झटका क्रमांक पहिला. पहिल्या विकेटचं पतन झालं. अल्तमेशला परतायला लागतंय टुवर्ड्स द पवेलियन. परंतु आम्ही एक गोष्ट नेहमी म्हणतो की असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो देखो परखो और फिर सुधार करो. यू ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. पहिल्या विकेटचं पतन झालं. कधी गोलंदाजी चांगली होती कधी फलंदाजी चांगली होती. कधी वर्चस्व गाजवतोय तो म्हणजे नेव्हीटेक रायडर संघ कधी वर्चस्व गाजवतोय तो म्हणजे जय गणेश इलेव्हन संघ. इथून काय होणार आहे हे माहीत नाही. मॅच करवट घेते मॅच जी मात्र रंग बदलते सरड्याप्रमाणे रंग बदलते किंबहुना सरड्यापेक्षा एक रंग जास्त बदलताना आपल्याला मॅच पाहायला मिळते. दोन्ही रफ अँड टफ टीम आपल्याला पाहायला मिळतात आणि मॅच देखील रफ अँड टफ पाहायला मिळेल. धावसंख्या असेल धाव फलकावरती एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये सात धावा सेव्हन रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड विथ द लॉस ऑफ वन विकेट. नवीन फलंदाज आपण पाहू शकतो विशाल येत असताना ते लॉफ्ट एडिट मारचा प्रयत्न. चेंडू जातोय तो म्हणजे एक्स्ट्रा कव्हर सीझनमध्ये. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल डबलचा प्रयत्न आणि दोन धावा ज्या मात्र कम्प्लीट. धावेंसाठी धावपळ धावेंसाठी संघर्ष आणि धावेंसाठी धावा धाव मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. नक्कीच गुड रनिंग बिटवीन द विकेट पाहू शकतो. मैदानाच्या आतमध्ये घाम गाळत असताना दोन्ही फलंदाज एका बाजूला असेल विशाल दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकतो हेमंत. अगदी लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आहे विशाल. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन म्हटलं की अतिशय रेअर कॉमोडिटी आणि तितकीच घातक अशी कॉमोडिटी आपण पाहू शकतो. ते लॉफ्ट एडिट मारचा प्रयत्न होता मिसटाईम फटका झाला कार्पेटच्या साह्याने. चेंडू मिडविकेटला ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल पुन्हा एकदा डबलचा प्रयत्न. थोडीशी फंबलनेस क्षेत्ररक्षकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली आणि जिथे एक धाव कंप्लीट व्हायला पाहिजे होती तिथं मात्र दोन धावा कंप्लीट. वारंवार चुका चुका आणि चुका आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ते म्हणजे जय गणेश इलेव्हन संघाच्या माध्यमातून.
संघाचा अकाउंट डबल डिजिट मध्ये 11 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड विथ द लॉस ऑफ वन विकेट. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 11 धावा. ज्या मात्र धाव फलकावरती असतील, पहिलं षटक मार्गस्थ, पहिलं षटक प्रगतीपथावरती सुरेख गोलंदाजी आपण पाहिली ती म्हणजे ऋषभच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडूवरती वाईड, त्यानंतर चौकाराला, परंतु त्यानंतर कमबॅक करून देण्याचं काम आपल्या संघासाठी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. पॉवर प्लेची ओव्हर आहे, पॉवरफुल बॅटिंग नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु कमबॅक जो मात्र त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन फक्त आणि फक्त हुक केला, चेंडू सरळ निघून जातोय. तो म्हणजेच कव्हर सीझन मधून सीमारेषा पार येतोय. अजून एक दमदार फटका, चौकार. दरम्यान पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल धाव फलकावरती 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 15 धावा, 15 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड विथ द लॉस ऑफ वन विकेट. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहू शकतो वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन फिरकीचा जादूगर मॅन फ्रॉम जय जलेश्वर वाडेकर सिद्धू पाटील आपण पाहू शकतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती. अगदी अनुभवाची खाण जी मात्र म्हटलं जाते या गोलंदाजाला, तितकंच असं वेग आणि त्यासोबतच व्हेरिएशन जे मात्र आपण पाहू शकतो सिद्धू पाटीलच्या माध्यमातून. गोलंदाजी ट्रॅकवर तयार, स्ट्रायकर एंडवरती असतील ते म्हणजे हेमंत म्हात्रे मॅन फ्रॉम गौरीपाडा. यावेळेस चेंडू बॉडीला ब्रश झाला आणि इनफील्डमध्ये राहिला. इनफील्डमध्ये थोडीशी फंबलनेस आपल्याला पाहायला मिळाली, तोपर्यंत घेतलेली सिंगल. सिंगलच्या मदतीने संघाचा अकाउंट एकनी पुढे जाईल. 16 धावा धाव फलकावरती असतील. पहिला चेंडू इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पडल्यावरती चेंडूनी थोडंसं वळण घेतलं, बॅटीची कट, त्यानंतर मग बॉडीला ब्रश झाला, पायाला ब्रश होऊन चेंडू निघून गेला. तो म्हणजे शॉर्ट फाईनल क्षेत्रामध्ये थोडीशी फंबलनेस पाहायला मिळाली, परंतु हरकत नाही, तोपर्यंत सिंगल जी मात्र एकवटली गेली. आता स्ट्रायकर एंडवरती असेल तो म्हणजे विशाल. गोलंदाजी ट्रॅकवर पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतो तो म्हणजे सिद्धू पाटील. यावेळेस फुल टॉस चेंडू होता, फुल टॉस चेंडूला लॉफ्ट केलाय मिड विकेटला, चेंडू सरळ निघून जातोय मिड विकेट सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4, संघर्षाचा शंखनाद करणारा संघर्षमय चौकार. थँक यू व्हेरी मच डीजे मास्टर. धावसंख्या धाव फलकावरती असेल 20 धावाच्या मात्र धाव फलकावरती सुरेख सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच नेव्ही टेक रायडर या संघाच्या माध्यमातून. इथे शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न होता, बॅकफूटवरून फ्रंट फूटला गेले आणि फटका मारला, चेंडू सरळ निघतोय तो म्हणजे एक्स्ट्रा कव्हर सीझनमध्ये. तोपर्यंत 2 धावा कम्प्लीट सातत्याने पाहायला गेलं तर गुड रनिंग बिटवीन द विकेटचा मुजायरा पाहायला मिळतोय संघाच्या माध्यमातून. दोन्ही फलंदाज सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट करत असताना मग ते हेमंत असतील किंवा असतील विशाल, सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळाली. आतापर्यंत जर विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती एक धाव आली, त्यानंतर चौकार आले आणि त्यानंतर एक दुहेरी धाव जी मात्र गेली. दुसरे षटक प्रगतीपथावरती असेल. यावेळी शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न, सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय, चेंडू सरळ निघून जातोय तो म्हणजे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. छत्रपतींचा चावा, 4 धावा चौकार. अच्छा डीजे मास्टर, धावसंख्या धाव फलकावरती 26 घरामध्ये आपण पाहू शकतो धुंद फुंद बेधुंद अशी सुरुवात नेव्ही टेक रायडर्सच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो. इथे अलॉंग द वी चेंडूला स्टिअर केला क्षेत्ररक्षक तेना, तोपर्यंत घेतलेली सिंगल
आणि या सिंगलच्या मदतीने आपण पाहू शकतो संघाचा अकाउंट एकनी पुढे 27 धावा. धाव फलकावरती असतील. दुसरे षटक प्रगतीपथावरती विचार केला तर 6 षटकांचं पूर्वार्थ आणि 6 षटकांचं उत्तरार्थ, त्यामध्ये नटलेलं क्रिकेटचं महासंग्रामी नाटक आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला आलेलं आहे आणि निमित्त ठरलं ते म्हणजे कल्याण प्रीमियर लीग KPL सीझन नंबर 1 असा दिवस क्रमांक 2 पाहू शकतो. यावेळी सुरेख चिंड होता आणि त्याला सन्मान दिलं. आजकाल आम्ही नेहमी म्हणतो की झुकेगा नाही साला, परंतु क्रिकेट असा गेम आहे ज्यामध्ये तुम्हाला नक्कीच सन्मान देणं गरजेचं आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमॅन आम्ही नेहमी म्हणतो आणि त्याप्रकारे ज्यावेळेस चेंडू चांगला असेल त्यावेळेस त्याला सन्मान देणं गरजेचं आहे. येस, निर्धाव चेंडूची समाप्ती आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल धाव फलकावरती 1 गडीच्या मोबदल्यामध्ये 27 धावा 27 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड विथ द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओव्हर्स विथ द रन रेट ऑफ 13.50 डीजे. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहू शकतो वैयक्तिक कोटेतील पहिला आणि सांघिक कोटेतील 3रं षटक घेऊन येतोय. मिनेश पाटील स्ट्रायकर एंडवरती असतील ते म्हणजे विशाल नॉन स्ट्रायकर एंडवरती हेमंत. सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळाली पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 27 धावा ज्या मात्र धाव फलकावरती होत्या आणि 1 गडी जो मात्र तंबूमध्ये परतलेला. निवेटेक रायडर्स या संघाचा इथे लॉफ्टेड हिट मारचा प्रयत्न, खिचलेला होता बॉल आणि बॅट देखील खिचून मारलं होतं, परंतु बॅडीचा चेंडूचा काही नीट संपर्क झाला नाही तोपर्यंत सिंगल, जी मात्र एकवटली गेली. संघाचा अकाउंट एकनी पुढे 28 धावा ज्या मात्र धाव फलकावरती असतील. आम्ही नेहमी म्हणतो की जिंदगी जिना आसान नाही होता, बिना संघर्ष कोई महान नाही होता. जब तक ना पडे हातोडे के गाव पत्थर भी कभी भगवान नाही होता. हातोडेचे गाव जे मात्र तुम्हाला सहन करावे लागतील, प्रयत्न प्रयत्न आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा जी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला दाखवावी लागेल आणि त्याच वेळेस तुम्ही कुठे ना कुठे फ्रंटफूटला येऊ शकता. ज्यावेळेस संघ बॅकफूटला असतो ना त्यावेळेस जो खेळाडू येतो निखरून येतो. आम्ही नेहमी म्हणतो की हिरे की चमक रखतो तो अंधेरे में चमको क्योंकि धूप में तो काच का तुकडा भी चमकता है. दरम्यान स्लाइस केलं होतं चेंडूला इनफील्डमध्येच. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, फुल स्ट्रेच केलं होतं, कॅचची संधी होती परंतु कॅच जी मात्र कॅपिटलाइज करू शकले नाहीत. हरकत नाही, बॉडीला फुल स्ट्रेच केलं होतं, एफर्ट खूप सुरेख पाहायला मिळालं. दरम्यान घेतलेली सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीने 29 धावा ज्या मात्र धाव फलकावरती असतील. गोलंदाज सज्ज होत असताना गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहू शकतो इथे पुन्हा एकदा लॉंग द्वी चेंडूला स्टिअर केला. चेंडू वाईडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत घेतलेली सिंगल डबलचा प्रयत्न. भाग मिल्खा भाग अशी मनस्थिती आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकतो. तोपर्यंत घेतलेल्या 2 धावा 31 धावा ज्या मात्र धाव फलकावरती असतील. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक असतील. समीरबाई खान साहेबांना विनंती आहे की आपण स्टेजवरती जाऊन स्थानपन्न व्हायचं. आयोजकांच्या वतीने नम्र विनंती आहे. कल्याण प्रीमियर लीग मध्ये आपलं स्वागत आहे. दरम्यान पाहायला गेलं तर बॅकफूटला जाऊन फक्त आणि फक्त दिशा दाखवली. चेंडू जात होता तो म्हणजे कव्हर सीझन मध्ये. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल. सिंगलच्या मदतीने संघाचा अकाउंट एकनी पुढे 32 धावा 32 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. विनंती असेल आयोजकांच्या वतीने ते म्हणजेच समीर भाई खान साहेबांना की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचंय. कल्याण प्रीमियर लीग मध्ये आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल. दरम्यान आपण पाहू शकतो यावेळेस मात्र चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप असेल. पंचांचे दोन्ही आज समांतर धावा मिळतील. अवांतर अवांतरची धाव संघाच्या अकाउंटमध्ये ॲड होईल. 33 धावा ज्या मात्र धाव फलकावरती असतील. यावेळेस सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सरळ निघून जातोय डीप पॉइंट सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 4 और जब रन मिलेंगे 4 तब भी तो होगा बेड़ा पार. चेंडू आउट ऑफ द पार्क चौकार.
सुरेख चौका आपल्याला पाहायला मिळाला. ताकद नाही तर फक्त आणि फक्त नजाकत पाहायला मिळाली. 37 धावा धावफलकावरती 37 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. तिसरे षटक प्रगतीपथावरती. इथे लॉफ्टेड हिट मारलाय, लांबी कमी उंची जास्त, क्षेत्ररक्षक येतोय खाली, त्याच्या माध्यमातून थोडीशी मिस जजमेंट आपल्याला पाहायला मिळाली. तोपर्यंत घेतलेल्या दोन धावा आणि या दोन धावांच्या मदतीने संघाचा काउंट पुन्हा एकदा दोन्ही पुढे जात असताना पाहू शकतो. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल धाव फलकावरती 13.00 सरासरीने 39 धावा ज्या मात्र धाव फलकावरती आपण पाहू शकतो. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल धाव फलकावरती 13.00 सरासरीने तब्बल एक गडी बाद 39 धावा 39 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड विथ द लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर 3 ओव्हर्स. जिंदगी छाने थोडी लहाने रडतोस काय वेड्या लढण्यात छाने, काट्यावर झुलती एक फुलांची कमाने, हवं ते गे दुनिया एक दुकाने, जो म्हणतोय जीवन निरर्थय तो मात्र बैमाने, कारण सुखासाठी कधी असावं लागतं कधी रडावं लागतं. उंच धबधबा बनण्यासाठी पाण्याला देखील उंचावरून पडावं लागतं आणि तुम्हाला देखील मोठी फटकेबाजी करावी लागेल जर तुम्हाला मोठं टार्गेट जे मात्र सेट करायचं असेल तर. गोलंदाज तयार, फलंदाज तयार, यावेळेस आपटलेला चेंडू होता, चेंडू जातोय तो म्हणजेच कव्हर सीझनमध्ये. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल डबलचा प्रयत्न आणि दोन धावा देखील कम्प्लीट पाहायला मिळतील. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि सांघिक कोट्यातील चौथे षटक घेऊन आलाय तो म्हणजे आतिश. स्ट्राइकर एंड वरती आपण पाहू शकतो विशाल. धावसंख्या असेल धाव फलकावरती 41 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. गोलंदाज सज्ज, गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पुन्हा एकदा आपटलेला चेंडू होता, तितकंच सुरेख सेम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. फटका नाही तर गोलंदाजासाठी हा होता झटका. चेंडू पुन्हा एकदा निघून जातोय क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्हच्या स्वरूपात सीमा पार चौकार.
45 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड, 45 धावा ज्या मात्र दावफलकावरती असतील. गोलंदाजची पिटाई कुटाई चंपी मरमत आपण पाहू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये. चौथे षटक प्रगतीपथावरती, यावेळेस पुन्हा एकदा लॉफ्टेड हिट मारायचा प्रयत्न होता. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल डबलचा प्रयत्न आणि दोन धावा देखील कम्प्लीट. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते, परंतु खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो. लेझी क्रिकेट जो मात्र आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकतो. जय गणेश 11 संघाच्या माध्यमातून. दरम्यान जर पाहायला गेलं तर 47 धावा 47 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड असेल. गोलंदाज सज्ज गोलंदाजी ट्रॅक वरती, ते आपटलेला चेंडू होता. चेंडू लॉंग ऑफ रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीने संघाचा अकाउंट एकने पुढे. 48 धावा 48 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. यावरचा जर विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती दोन धावा आल्या, त्यानंतर चौकार, तिसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा दुहेरी धावा आणि चौथ्या चेंडूवरती एक धाव सिंगल जी मात्र एकवटली गेली. चौथे षटक प्रगतीपथावरती, अजूनही दोन चेंडू शिल्लक असतील, ते म्हणजे चौथ्या षटकातील. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहू शकतो. आतिश स्ट्रायकर एंडवरती असेल तो म्हणजे विशाल. विशालच्या माध्यमातून सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळते. चौकार तर मारत जात आहे, परंतु त्यासोबतच सिंगल डबलचा खेळ देखील सुरेख प्रकारे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. तोच गोलंदाजी ट्रॅकवर असेल आतिश. विनंती असेल थोडंसं स्पीडअप करायचं, खूप जास्त अवधी जे मात्र घेतलं जात आहे. यावेळेस चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप असेल, पंच दंडित करत असताना वाईट चेंडू अव्वांतरची धाव जी मात्र संघाच्या अकाउंटमध्ये ॲड होईल. 49 धावा धावफलकावरती 49 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. जर विचार केला तर पहिला माइल स्टोन असतो 50 धावांचं, जो मात्र एक धावेने अजूनही बाकी असेल निमिटेक रायडर्स या संघासाठी. यावेळेस लॉफ्टेड हिट मारायचा प्रयत्न, कार्पेटच्या साह्याने चेंडू लॉंग ऑन रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीने सांगिक 50 धावा धावफलकावरती असतील. निमिटेक रायडर्स पहिला माइल स्टोन जो मात्र कम्प्लीट करत असताना, विचार केला तर अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल. चौथे षटक प्रगतीपटावरती, चौथे षटक मार्गस्थ आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी सुरेख फटका पाहायला मिळाला, चेंडू जातोय तो म्हणजे बॅकवर्ड स्क्वेअरला क्रीजन मध्ये. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल, सिंगलवरती समाधान मानायला लागतंय. आणि चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल धाव फलकावरती 12.50 सरासरीने तब्बल 50 धावा 51 धावा धाव फलकावरती असतील. विलास ढोणे साहेबांच्या माध्यमातून सुवर्ण संधी असेल, ते म्हणजे विशाल त्यासोबत हेमंत. सलगचे दोन षटकार आणि 500 रुपयाचं कॅश प्राईज जे मात्र लागू होईल दोन्ही बॅट्समनांना. टर्म्स अँड कंडिशन्स अप्लाय, अटी व शर्ती लागू. सलगचे दोन चेंडू आणि दोन षटकारांची गरज. दरम्यान आपण पाहू शकतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती, वैयक्तिक कोटेतील पहिलं सांघिक, सॉरी वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि सांघिक कोट्यातील पाचवं षटक घेऊन येत आहेत, ते म्हणजे सिद्धू पाटील. यावेळेस सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, चेंडू सरळ निघून जातोय. वन बाउन्स ओ द लाईन, चौकार.
धावसंख्या असेल धावफलकावरती ती म्हणजेच 56 धावा धावफलकावरती. त्यावेळेस अखुल टप्पेचा चेंडू होता, थोडेसे क्षेत्ररक्षक झाले, फंबल तोपर्यंत घेतलेली सिंगल, सिंगल वरती समाधान मानायला लागते. 57 धावा धावफलकावरती आपण पाहू शकतो, 57 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन फक्त आणि फक्त दिशा दाखवली, चेंडू डीप पॉइंट रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय, क्षेत्ररक्षक त्यांना तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट, डबलचा प्रयत्न, खराब फेकी पाहायला मिळाली. यावेळेस मिस टाईम फटका झाला, चेंडू इनफील्ड मध्ये राहिला तोपर्यंत घेतलेली सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीने संघाचा अकाउंट एकनी पुन्हा एकदा पुढे जात असताना 60 धावा धावफलकावरती 60 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. पाचवं षटक प्रगती पथावरती आपण पाहू शकतो सिद्धू पाटील यांच्या माध्यमातून. नक्कीच सुवर्ण संधी असेल तो म्हणजेच दोन्ही फलंदाजांसाठी. विलास नाना ढोणे साहेबांच्या माध्यमातून सलगचे दोन चेंडू आणि दोन षटकार, 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल ते म्हणजे विशाल, त्यासोबतच हेमंत म्हात्रे यांच्यासाठी. ते पुन्हा एकदा सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळते, क्षेत्ररक्षक येत आहेत आणि सुरेख झेल फ्लाय इन टू दी एअर अँड ड्रॉप इन टू दी फिंगर, झटका क्रमांक दुसरा लागत असताना नेव्हीटेक रायडर्स या संघासाठी हेमंत म्हात्रे बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज आपण पाहू शकतो चेतन येत असताना, गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहू शकतो. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं, सांघिक कोट्यातील सहावं शेवटचं हनामारीचं डेथ ओव्हरचं स्लॉग ओव्हरचं शॉट घेऊन येतोय तो म्हणजेच ऋषभ गायकवाड. विलास ढोणे साहेबांच्या माध्यमातून सुवर्ण संधी असेल दोन्ही फलंदाजांसाठी, चेतन असेल किंवा असेल विशाल, प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल. शेवटच्या ओव्हरमध्ये जितके षटकार बसतील प्रत्येक षटकारामागे 500 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल. विलास नाना ढोणे साहेबांच्या माध्यमातून सुवर्ण संधी आहे दोन्ही फलंदाजांना. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहू शकतो ऋषभ येत असताना, डेथ ओव्हरचं षटक घेऊन येत असताना आपण पाहू शकतो 38 सर्कलच्या बाहेर 5 क्षेत्ररक्षक असतील, मिड विकेट असेल, वाईडिश लॉंग आउट रिजन असेल. दरम्यान मिस टाईम फटका झाला तोपर्यंत घेतलेली सिंगल आणि सिंगलवरती समाधान मानतील. धावसंख्या एकनी पुढे, सहावं षटक प्रगतीपथावरती. 62 धावा धावफलकावरती असतील, 62 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. सिक्स ओव्हर इन प्रोग्रेस. आता मात्र स्ट्रायकर एंडवरती असेल तो म्हणजे चेतन, हार्ड हिटर फलंदाज. अगदी कदकाठीचा विचार केला तर धष्टपुष्ट अशी कदकाठी असेल जी मात्र चेतनची, आणि तितकीच हार्ड हिटिंग फलंदाजी आपल्याला चेतनच्या माध्यमातून नेहमीच पाहायला मिळते. गोलंदाज सज्ज ऋषभ यावेळेस मात्र वाईड प्लस 4 पंजा जो मात्र ओपन होत असताना टीम नेव्हीटेक रायडर्स या संघासाठी, आणि 5 धावा ज्या मात्र संघाच्या अकाउंटमध्ये ॲड होतील.
गोलंदाज सज्ज ऋषभ गोलंदाजी ट्रॅक वरती, ती मात्र सबमरीन डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. चेंडू पडल्यावरती खालीच राहिला आणि सरळ चितनच्या बॉडीला ब्रश झाला. तोपर्यंत घेतलेली सिंगल चेंडू इनफील्डमध्ये राहिला होता आणि सिंगलच्या मदतीने संघाचा खोट एकनी पुन्हा एकदा पुढं. विचार केला तर मोठी फटकेबाजी जी मात्र या ओव्हरमध्ये गरजेची असेल, कारण मागच्या मॅचमध्ये हनी इलेव्हन संघाच्या माध्यमातून शेवटच्या ओव्हरमध्ये 33 धावा ज्या मात्र आल्या होत्या आणि त्याच 33 धावा ज्या मात्र विजयाच्या कारण ठरल्या होत्या असं म्हणायला हरकत नाही. आणि डेथ ओव्हरमध्ये सुरेख फटकेबाजी करणं गरजेचं असतं आणि तर कुठे ना कुठे बॅकफुटला बॅटिंग करणारा संघ येतो. ह्यावेळेस शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न होता, मिस टाईम फटका झाला, चेंडू इनफील्डमध्ये राहिला. तोपर्यंत पुन्हा एकदा सिंगल, वारंवार सिंगल सिंगल आणि सिंगल जी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळी पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतो चेंडू पडल्यावरती थोडस वळण घेताना कट केलेला चेंडू होता आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती. गोलंदाज सज्ज गोलंदाजी ट्रॅक वरती, सहावं षटक मार्गस्थ. यावेळेस मिस टाईम फटका, लांबी कमी उंची जास्त, क्षेत्ररक्षक येतोय खाली सांगत असताना इट्स माय कॅच अँड आय एम शुअरली टेकन इट. झटका क्रमांक तिसरा लागत असताना नेव्हीटेक रायडर्स या संघाला चेतनला परताय लागतंय टुवर्ड्स द पवेलियन. नवीन बॅट्समन येत असताना आपण बघू शकतो दिगेश. विचार केला तर अजून एक चेंडू शिल्लक असेल, म्हणजे या इनिंग्स मधला पूर्वार्थ मधला एक चेंडू शिल्लक असेल. धाव संख्या असेल धाव फलकावरती, ती म्हणजेच 68 धावा. यावेळेस मिस टाईम फटका, पुन्हा एकदा लांबी कमी उंची जास्त, चेंडू नोमॅन्स लँड मध्ये पडतोय. तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट, डबलचा प्रयत्न, दोन धावा देखील कंप्लीट, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तीन धावा देखील कंप्लीट पाहायला मिळतील. चौथ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि चार धावा देखील कंप्लीट ज्या मात्र झाल्या. चार धावा पळून घेतल्या आणि चार धावेंच्या मदतीने आपण पाहू शकतो 73 धावा आणि 74 धावेंचं लक्ष असेल. येणारे चेंडू 36 जिंकण्यासाठी 74 धावेंची गरज.
तर आपण व्यासपीठावरती सन्मान करूया. कोण बनेगा नगरसेवक नंबर वन या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय समीर खान साहेबांचे इथे आपण सन्मान करूया. जव्हार भाई साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण समीर खान साहेबांचे इथे सन्मान करूया. याच मैदानावरती आपण प्रत्येक वर्षी नक्कीच क्रिकेट स्पर्धा पाहत असतो. कोण बनेगा नगरसेवक नंबर वन. चौऱ्याहत्तर धावांचं लक्ष आहे आणि आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहतोय सन्मान केला जातोय समीर खान साहेबांचा. आपल्या व्यासपीठावरती साहेबांचा देखील विशेष आभार व्यक्त करतोय, आपला अमूल्य वेळ दिला या स्पर्धेसाठी. तर वळूया सामन्याकडे. सामना देखील सुरू आहे, अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. जय गणेश आणि नेव्हीटेक रायडर्स या दोन टीममध्ये, नेव्हीटेक रायडर्स या टीमने धाव बनवल्या आहेत. पहिल्या सहा षटकांमध्ये 73 आणि 74 धावांचं लक्ष ठेवलं आहे जय गणेश 11 या टीमसमोर. आणि या 74 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतो आहे आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ, व्हॉइस ऑफ पालेगाव, आमचे परम मित्र सोनू बांगर. थैंक यू सो मच रोशन संते, बहुत बहुत शुक्रिया. चलते हैं दोस्तों मैदान के अंदर. थैंक यू सो मच प्रथम चौहान. आप सुनिए, आपने बिल्कुल माइक पे आवाज जो सुन रहे थे आप, जो कि अवरब गांव के एक टैलेंटेड अपकमिंग कमेंटेटर प्रथम चौहान, उनके भाई भी कमेंट्री करते हैं प्रसन्न चौहान. दोनों भी दिखने भी सेम है और रोशन आवाज भी सेम है और लगभग जुड़वा है, तो बिल्कुल उनकी आवाज आप सुन रहे थे. थैंक यू सो मच प्रथम, थैंक यू सो मच रोशन संते. चलते हैं दोस्तों मैदान के अंदर. सभी दर्शकों का फिर से एक बार केपीएल में मैं सोनू बांगर हार्दिक स्वागत करता हूं. और कई सारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे. और मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के अंदर, डू और डाई यानी करो या मरो का मुकाबला, जय गणेश 11 वर्सेस नेव्हीटेक राइडर्स के बीच में. पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, मुकाबला शुरू. क्रॉस द लाइन से खेले भी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है. स्क्वेयरली की दिशा में कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है और गेंद सीधा जाएगी स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. आता वहा पहला चौका. अर्जुन थे बल्लेबाज स्ट्राइक पे और पहले गेंद के ऊपर अर्जुन ने 4 रन वसूल किए अपने टीम के लिए. खाता खोला अर्जुन ने खुद का और अपने टीम का. पहला मुकाबला जब खेला था गणेश 11 टीम ने, हनिया 11 मांडा टीम ने उन्हें परास्त किया था पहले मुकाबले में. आप दोस्तों डू और डाई और स्वरूप 11 वर्सेस नेव्हीटेक राइडर्स के बीच में जो मुकाबला हुआ था दूसरा, उनमें स्वरूप 11 टीम ने मुकाबला जीता था और आप मुकाबला जीतना है नेव्हीटेक राइडर्स टीम को भी. दोनों टीम की यहाँ पर देखा जाए तो कड़ी मेहनत देखने की मिलेगी इस मैदान में, इस मुकाबले में. डायरेक्टर का प्रयास इस बार ओवर थ्रो होता हुआ, बैकअप के लिए जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक 2 रन बटोर लिए
दोनों बल्लेबाजों ने, सलामी बल्लेबाज अर्जुन और दूसरी तरफ होंगे आकाश चौहान। पहला ओवर चल रहा है, हेमंत गेंदबाजी कर रहे, पावर पे का ओवर फेंक रहे। सम्माननीय किशोर चौहान इनकी तरफ से, बिल्कुल आकाश चौहान के लिए बिल्कुल इस बार 1000 रुपए का इनाम होगा छक्के की हैट्रिक के लिए बिल्कुल। और इस बार के नमामिति खिलाड़ी बाबत है मौजूद, क्या कैच लिया उस शॉर्ट कवर की दिशा में खिलाड़ी ने, कार्बन कमाल कैच। और लगता है पहला झटका बल्लेबाजी करते हुए श्री गणेश 11 टीम को, बल्लेबाज अर्जुन बैक टू द डगआउट। वहां पर अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए खिलाड़ी वहां पर थे, लगभग मयूर वहां पर थे और शानदार कैच लिया मयूर ने। और पहले विकेट का बदन गेंदबाज हेमंत को मिलती भी पहली सफलता, टोटल रुकी 6 के ऊपर, 73 रन बनाए, 74 रन का लक्ष्य और 6 ओवर का ये मुकाबला है दोस्तों। डू और डाई यानी करो या मरो का ये मुकाबला, आपको अगर आगे पहुंचना है तो मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। लेकिन इस मुकाबले में जीतेगी कौन सी टीम, क्योंकि इसमें जीतने वाली टीम सीधा मैच खेलेगी, मुकाबला खेलेगी बिल्कुल स्वरूप 11 गंधारी टीम से, जो कि आखिरी मुकाबला होगा आखिरी दिन का, इस दिन का। और गेंदबाज तैयार, पिछले एक बार हेमंत स्ट्राइक पे, नए बल्लेबाज ऋषभ, ऋषभ थे बल्लेबाज, रिवर्स रन किया और अंपायर का फैसला बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। ऋषभ आ चुके पिछले मुकाबले में, शानदार बल्लेबाजी की थी लेकिन मुकाबला जरूर गवाया था, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी इस खिलाड़ी ने, 36 रन की शानदार पारी खेली थी। ओवर द विकेट लॉकटेटेड, उठाए गेंद को, गैप बहुत बड़ी है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे और गेंद जाएगी इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऋषभ गायकवाड़ के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। आज बिल्कुल ऋषभ गायकवाड़ इस शांत स्वभाव के खिलाड़ी नहीं है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं लेते और कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन कैसे बढ़ो रहे यही जानते हैं वो सब, अच्छे खिलाड़ी और अच्छे बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार, पिछले एक बार हेमंत, इस बार भी जगह बना, इलेक्शन के बाहर निकले, रूम बनाया था, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी पहुंच पाएंगे क्या, बिल्कुल पहुंच पाए, अच्छी फील्डिंग, रोक दिया गेंद को अंदर मैदान के, और जब तक गेंद को उठाए फेंके, बैकअप के लिए खिलाड़ी आए थे, उठाए फेंका तब तक रन कंप्लीट हुए इस गेंद के ऊपर 3, और 3 रन के वजह से कुल मिला के 13 रन बन चुके हैं। पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है और 74 रन का लक्ष्य है। पहले ओवर में एक बल्लेबाज भी खो चुके हैं, बल्लेबाजी करते हुए जय गणेश 11 टीम और स्कोर पहुंचा है 13 के ऊपर डीजे। तेरह रन बन चुके बिल्कुल, और बल्लेबाजी जब कर रही थी ना नेविटेक राइडर्स टीम, तब विशाल ने विकेटों के बीच काफ़ी दौड़ की थी, बिल्कुल अब थक चुके हैं, आराम कर रहे हैं हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के बाजू में, विशाल भी बता रहे थे बिल्कुल काफ़ी थकान महसूस हो रही है इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलते मैदान के अंदर। टीम के लिए रन अच्छे बनाए थे विशाल ने और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब भी चाहिए जीत के लिए बात करेंगे तो 5 ओवर का खेल बाकी है और 61 रन की आवश्यकता। फिर से एक बार ऋषभ ऑन स्ट्राइक, गेंदबाज होंगे तुषार, पावर पे का दूसरा ओवर, राउंड द विकेट,
इस बार मन बनाया था ऑप्शन के बाहर जाके शॉट खेलना था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए चूके और गेंद सटीक ठिकाने पे गिरी विकेट के ऊपर, बल्लेबाज के पारी का अंत। ये बड़ी मछली हाथ लगी है नेविटेक राइडर्स टीम के और ऋषभ बैक टू द डगआउट। ये बड़ा झटका लगता हुआ जय गणेश इलेवन टीम को। और ऋषभ आउट हो चुके, बिल्कुल जगह बना के खेलने की कोशिश की थी ऋषभ ने और पूरी तरह से बीट हुए। विकेट का पतन होता बा और दूसरा झटका लगता बा। तो ऋषभ आउट हो चुके, उसके बाद में अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। प्रवीण खनका आ चुके मैदान के अंदर। ये पहले मुकाबले में बिल्कुल शुरुआत में आए थे, यानी कि सलामी तौर पे बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और अब लगभग चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए प्रवीण खनका। तुषार को मिलती हुई पहले गेंद के ऊपर सफलता भी बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ऋषभ एक अच्छे खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी थे, हार्ड हिटर थे, उनको आप आउट किया है गेंदबाज तुषार ने। राउंड द विकेट स्विच ट्री बॉस अटेंड करना चाहते थे, फिर से एक बार बीट हुए बल्लेबाज और डॉट गेंद की समाप्ति। विकेट कीपर की भूमिका निभा रहा है चेतन ढोने, आप देख सकते हैं, जो कि नांदिवली टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में। अराउंड द विकेट इस बार भी अच्छी गेंद थी, स्लॉट पे थी गेंद, जरूर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की और कोई भी संपर्क नहीं बना। 22 का इशारा अंपायर के द्वारा, 22 के स्वरूप से एक रन मिला और टोटल अब आगे पहुंच चुके हैं। टोटल की बात करेंगे तो 14 रन बन चुके हैं। इस ओवर में अब तक गेंदें फेंकी है लगभग 3 गेंदे हो चुके और 3 गेंदों में रन कच के सिर्फ एक बड़ी सफलता अर्जित भी की गेंदबाज तुषार ने। आकाश स्ट्राइक पे होंगे, फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर निकलते हैं, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, शॉट खेला था मिड विकेट की तरफ, लेकिन पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा उछाल भी लिया और काफी टर्न भी हुई थी गेंद, सीधा जा पहुंचे विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी, सराहना करना चाहूंगा मैं गेंदबाज तुषार की। इस बार ओवर पीसी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और लेकिन यहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, यहां से दिखाई नहीं दिया था लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे और रोशन वहां पर थे। अच्छी ख्याल से रोशन ने और एक जय गणेश इलेवन टीम को बल्लेबाज के पारी का अंत। तो लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान के अंदर शुरू, जैसे बल्लेबाज अर्जुन आउट हुए, उसके बाद में ऋषभ आउट हुए और अब सलामी बल्लेबाज आकाश चौहान भी बिल्कुल जीरो पे आउट हो चुके हैं। लगातार विकेटों का पतन। इस ओवर में बात करेंगे तो तुषार को मिलती भी 2 बड़ी सफलता। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, यह शानदार गेंदबाज की, 5 गेंदों में 2 विकेट चटकाए और एक ही रन खर्च किया गेंदबाज तुषार ने। नए बल्लेबाज आइकॉन आ चुके मैदान के अंदर, यानी कि सिद्धू पाटिल। रन नहीं आ रहे, स्कोर रुका हुआ 14 के ऊपर। पहले ओवर में अच्छी रन संख्या थी, 13 रन थे और इस ओवर में लगभग अब तक एक ही रन बन चुका है। खराब बल्लेबाजी, खराब क्रिकेट, गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार तुषार राउंड द विकेट। यॉर्कर का प्रयास करना चाहते थे कवर की दिशा में, गेंद को ढकेला बल्लेबाज सिद्धू पाटिल ने। खिलाड़ी आएंगे कवर की दिशा में, इनको उठाए फेंके, तब तक 2 रन कंप्लीट और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा आखिरी गेंद के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है, पावर पे अब समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में बने 13,
इस ओवर में आसिफ दो रन और दो विकेट भी तीन रन और एक दो विकेट भी चटकाए गेंदबाज तुषार ने, सफल ओवर की समाप्ति। और टोटल की बात करेंगे तो जय गणेश इलेवन टीम पहुंची के 16 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। मैदान के अंदर फील्डिंग के लिए काफी थकान महसूस हुई थी क्योंकि 10 बार उन्होंने दो रन भागे थे मैदान के अंदर और तीन दफा एक रन, काफी थकान थी। और अब टीम के लिए पहुंच चुके मैदान के अंदर विशाल, कोई बात नहीं है, चलते मैदान के अंदर। फिर से एक बार मुकाबला शुरू हो रहा है। दो ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, थोड़ी सी बैकफुट पे देखा जाए तो जय गणेश इलेवन टीम। आपको फ्रंट फुट पे आना है तो आपको बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। 58 रन की आवश्यकता है अभी भी आने वाली 24 गेंदों में। गेंदबाज आ चुके हैं बिल्कुल तीसरे ओवर में, मोरेश्वर स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रवीण खनका, एक बड़ा खिलाड़ी है, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाया, ऑन साइड में खेला, मिड विकेट का खिलाड़ी काफी तेजी से आ चुका है, उतनी तेजी से प्रवीण खनका। और सिद्धू पाटिल ने दूसरा रन भी चुरा लिया, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच अच्छी दौड़, दोनों में अच्छा तालमेल और इसी के माध्यम से दो रन चुरा लिए। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, अब भी चाहिए जीत के लिए 56 रन की आवश्यकता आने वाली 23 गेंदों के ऊपर। तैयार गेंदबाज राउंड द विकेट, इस बार अच्छी गेंद है, बिल्कुल ऑप्शन से नीचे रहती हुई, पूरा से पूरी तरह से डीप रहती हुई और काफी तेजी से भी निकल चुकी थी। जब तक बल्ले का मुंह खोले ना बल्लेबाज प्रवीण खनका, तब तक गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद की समाप्ति। राउंड द विकेट, इस बार टॉप एज लगी है, बिल्कुल दो दो खिलाड़ी आ चुके, क्या कैच ले पाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड कैच, खिलाड़ी थे वहां पर कवर की दिशा में, अल्तमस ने कैच लिया और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर, प्रवीण खनका बैक टू द डगआउट, लगता हुआ चौथा बड़ा झटका। बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, सिर्फ दो ही रन बनाए अपने टीम के लिए प्रवीण खनका ने भी। और अपने बल्लेबाज छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए राम पाटिल। लगभग अब ये मुकाबला थोड़ा सा कठिन होते जा रहा है जय गणेश इलेवन टीम के लिए क्योंकि रन नहीं आ रहे। थॉमस पहले ओवर पे देखा जाए तो हेमंत ने 13 रन खर्च किए थे, तब रन संख्या अच्छी थी, शुरुआत अच्छी हुई थी। दूसरे ओवर में तुषार आए, तुषार ने पूरी तरह से बिल्कुल दो विकेटें ली और रन संख्या को दबा दिया, यानी कि दो ही रन, तीन ही रन खर्च किए दूसरे ओवर में। और तीसरे ओवर में गेंदबाज है मोरेश्वर, जिन्होंने भी शानदार शुरुआत की, तीन गेंदें फेंकी है मोरेश्वर ने और रन खर्च किए सिर्फ दो, एक सफलता भी अर्जित की है। राम पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, राउंड द विकेट, फुलर लेंग की गेंद थी, सामने की तरफ ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद थे, शॉर्ट मिड ऑफ में डायरेक्ट का प्रयास किया, ओवर थ्रो, लेकिन सिद्धू पाटिल रन नहीं लेंगे, जानते हैं कि अभी अभी प्रवीण खनका आउट हो चुके, रिस्क नहीं ले रहे, एक रन, एक ही रन से संतुष्ट हुए सिद्धू पाटिल। टोटल पहुंच चुके 19 के ऊपर। सिद्धू पाटिल स्ट्राइक पे आते हुए बल्लेबाज, राउंड द विकेट, कट किया गेंद को, लेकिन खिलाड़ी है मौजूद, शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद थे और
आसानी से गेंद को पकड़ा और डॉट गेंद की समाप्ति। पांच गेंदें हो चुकी इस ओवर की और तीन ही रन आए इस ओवर में, एक विकेट भी आ चुकी इस ओवर में। मोरेश्वर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से बैकफुट पे ऊपर जा चुकी है जय गणेश इलेवन टीम। शफल हुए ऑप्शन के बाहर, रन निकले थे शॉट खेलने के लिए, शॉट अच्छा है और रन भी अच्छे मिलेंगे। आखिरी गेंद के ऊपर सिद्धू पाटिल के बल्ले से आता है चौका, ओवर नंबर तीसरा भी समाप्त। तीन ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और तीन ओवर में बल्लेबाजी करते हुए जय गणेश इलेवन टीम की रन संख्या 23 रन, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब भी चाहिए जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 18 गेंदे और 51 रन की आवश्यकता। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर, तब तक चलते हैं हमारे डीजे मास्टर के पास। ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो चुका है, ड्रिंक्स ब्रेकर की भूमिका निभा रहे फैजान। बिल्कुल कल के दिन से मैं देख रहा हूँ फैजान ने काफ़ी मेहनत ली है इस प्रतियोगिता के लिए, हर एक काम है ना बिल्कुल वही कर रहे हैं, मुझे तो ज़्यादातर वही दिखाई दे रहे हर जगह। पानी भी दे रहे बिल्कुल मैदान के अंदर, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ तो भी आ रहे चक्कर लगा रहे फैजान। और बिल्कुल डियो बाइक की एड भी दिखाते हुए, थैंक यू सो मच फैजान। और चलते मैदान के अंदर, 18 गेंदों का खेल बाकी, 51 रन की आवश्यकता। मुकाबला थोड़ा सा कठिन हो चुका है बल्लेबाजी करते हुए जय गणेश इलेवन टीम के लिए। अगर आपको मुकाबले में वापसी करनी है तो एक आध बड़ा ओवर निकालना पड़ेगा, यानी कि एक आध आने वाली ओवर में आपको 18 या 20 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं मुकाबला दोस्तों बैलेंस हो सकता है। गेंदबाज आ चुके हैं चौथे ओवर लेकर, फिर से एक बार तुषार जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था और गेंदबाजी करते हुए 3 रन खर्च किए थे और एक 2 विकेट भी चटकाए थी। स्ट्राइक के ऊपर होंगे बल्लेबाज राम पाटिल। चलिए गेंदबाज तैयार, पहली गेंद राउंड द विकेट, कट करना चाहते थे बिल्कुल पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ऑप्शन के काफी बाहर थी, अंपायर का फैसला वाइड आता हुआ। जहीर खान सर अंपायर की भूमिका निभा रहे, उसके बाद में देखा जाए तो निरंजन सावंत सर और फिरोज खान सर, ये त्रिमूर्ति है। इस बार अच्छी गेंद है, डिलीवरी अच्छी है बिल्कुल स्लॉट में थी, गेंद आगे करने की कोशिश की थी और पढ़ने के बाद काफी टर्न भी हुई थी। डॉट गेंद की समाप्ति, 50 रन की आवश्यकता आने वाली 17 गेंदों में। कवर की दिशा में खेला, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी है मौजूद, अच्छी फील्डिंग और एक ही रन मिला, टोटल पहुंच चुकी है 25 के ऊपर। सिद्धू पाटिल ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में दो दो खिलाड़ी आएंगे गेंद को उठाने के लिए और एक रन कंप्लीट दूसरे के लिए, पलटे दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज।
सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं, आपको मुकाबले में आगे जाना है तो बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। यानी कि कहते हैं ना, आपको दिल्ली अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ट्रेन का सफ़र नहीं, आपको फ्लाइट का सफ़र तय करना पड़ेगा। जैसे मुकाबले में आगे जाना है ना, तो सिंगल डबल नहीं, आपको चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। क्रॉस द लाइन से खेलना चाहते थे सिद्धू पाटिल, ऑप्शन के काफ़ी बाहर निकले थे, शॉट खेलने की कोशिश की स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन पैट के ऊपर गेंद गिरी और डॉट गेंद की समाप्ति। अब पूरी तरह से मुकाबला झुक चुका है, मजबूत हो चुका है फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि नेविटिक राइडर्स टीम के सामने। गेंदबाजी अच्छी हो रही और तुषार के माध्यम से इस ओवर में भी रिवर्स अटेंड किया, फिर से एक बार बीट हुए पूरी तरह से, और एक डॉट गेंद, लगातार डॉट गेंदें आ रही है और जैसे जैसे डॉट गेंदें आएगी वैसे वैसा मुकाबला पूरी तरह से हाथों से निकल जाएगा जय गणेश इलेवन टीम के और जाएगा मुकाबला नेविटेक राइडर्स टीम के पक्ष में। इस बार भी बीट हुए, गेंद काफ़ी टर्न हुई थी और शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद थे, और एक डॉट गेंद और एक सफल ओवर की समाप्ति। चार ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, चार ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आप देखी जाए तो सिप रुके हुए 27 के ऊपर और मुकाबला कठिन हो चुका है जय गणेश इलेवन टीम के लिए, क्योंकि आप चाहिए आने वाली 12 गेंदों में 47 रन की आवश्यकता। डीजे तो 12 गेंदें शेष है और जीत के लिए चाहिए अभी 47 रन की आवश्यकता। मुकाबला पूरी तरह से कठिन हो चुका है जय गणेश इलेवन टीम के लिए। गेंदबाज आ चुके हैं पांचवी ओवर लेकर, हेमंत जिन्होंने पावर प्ले का पहला ओवर फेंका था, 13 रन खर्च किए थे, वही हेमंत आप पांचवी ओवर डालेंगे। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है, गुड लेंथ के ऊपर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला और एक ही रन मिलेगा। आप जानते हैं बिल्कुल बल्लेबाज राम पाटिल भी कि काफ़ी दूर चलेगा, चला गया है मुकाबला, क्योंकि आप भी 46 रन की आवश्यकता है, गेंदे बचे 11। सिद्धू पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, ओवर द विकेट, शॉट अच्छा है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है और अच्छी कैच, वेरी गुड कैच, खिलाड़ी थे वहां पर, रोशन वहां पर थे बिल्कुल, फिर से एक बार इस मुकाबले में दूसरी कैच लेते हुए रोशन, और एक बल्लेबाज के पारी का अंत, लगातार विकेट का पतन। डीजे रोशन वहां पर थे बिल्कुल, मैन फ्रॉम सापाड़े, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं बिल्कुल। अतुल पाटिल भी खुश हो चुके हैं क्योंकि दो कैच उन्होंने अच्छी ली है और 200 रुपये भी अतुल पाटिल की दौर से उन्हें दिए जाएंगे, क्या ना कि उनका शाम का बंदोबस्त हो चुका है। चलिए अब मुकाबला थोड़ा सा वन साइड होता हुआ, मुकाबले में दोस्तों अब मजा नहीं है और आने वाला मुकाबला है, इस मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइट करेगी सीधा स्वरूप इलेवन गंदारी टीम से। गंदारी टीम के कप्तान आपको आना है बिल्कुल हमारे पास है अतुल पाटिल, और एक डॉट गेंद और गेंदे हो चुके हैं थॉमस इस ओवर की 3। शॉट अच्छा है, पुल किया और खिलाड़ी होंगे मौजूद, विकेट का पतन, फिर से एक बार मोरेश्वर वापस है कैशी और एक बल्लेबाज के पारे का, लगातार बल्लेबाज आउट हो रहे, चले नए बल्लेबाज जल्दी आइए मैदान के अंदर। छह बल्लेबाज आउट हो चुके हैं,
विवेक आ चुके हैं मैदान के अंदर। हेमंत तैयार ओवर द विकेट, जैसे आए बड़ा हाइट लगाने की कोशिश, फिर से एक बार हवा में होगी गेंद, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिला। मजा नहीं दोस्तों, मुकाबले में मजा नहीं है, ये वन साइड मुकाबला, यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। दर्शक भी काफी बोरिंग होते हुए इस मुकाबले को देख रहे हैं, इसके बाद में होने वाला मुकाबला इंटरेस्टिंग रहेगा। तो और एक डॉट गेंद और पांच ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आखिरी छह गेंदे बचे, जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है और छह गेंदे आपको जल्दी फेंकनी है। डीजे इतने बड़े, लेकिन यह मुकाबला थोड़ा सा बोरिंग होता हुआ। फिरोज भाई शेख भी इस बिल्कुल प्रीमियर लीग के आयोजक है, यानी कि त्रिमूर्ति है, जगन्नाथ पाटिल, उसके बाद में साजिद भाई रईस और फिरोज भाई शेख, इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं। दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट का, केपीएल यानी कि कल्याण प्रीमियर लीग। विक्टर का पतन और एक बल्लेबाज आउट हो चुका है, अब मुकाबले में बचे गेंदे कुल मिला के थॉमस। जहीर सर गेंदे कितनी बची है, क्योंकि थॉमस भी बोर हो चुके हैं। तीन गेंदे बची है, ओवर द विकेट टैप किया अंडर बॉक्स स्टाइल से, शॉट को खेला सामने की तरफ, डायरेक्टर का प्रयास और एक ही रन। चलिए सौरभ इलेवन गंधारी टीम के कैप्टन कप्तान पहुंच चुके मंच के ऊपर, जाना है आपको टॉस बॉक्स में। अतुल पाटिल और ये भी बढ़िया गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति और अब मुकाबले में बची सिर्फ एक गेंद। तो आखिरी गेंद, गेंदबाज तैयार, वाइड गेंद, यस अंपायर का फैसला वाइड। थॉमस कह रहे कि चलिए मारने दीजिए मुझे, उन्हें छक्का मारे चौका मारे कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुकाबले को फिनिश कीजिए। ओवर द विकेट, फिर से एक बार वाइड बॉल, लगता है उन्हें ज्यादा गेंदे फेंकनी है, कोई बात नहीं है फेंक सकते हैं।
और भी मुस्कुरा रहे कि आखिरी गेंद कैसे गिरने रहे अच्छी और वो विकेट। इस बार मुकाबला फिनिश और मुकाबला जीता विकेट का पतन आखिरी गेंद के ऊपर में थी सफलता। मुकाबला खत्म, मुकाबला जीता नेविटेक राइडर्स टीम ने और अब मुकाबला होगा नेविटेक राइडर्स वर्सेस स्वरूप इलेवन गंधारी टीम के बीच में। चलिए नेविटेक राइडर्स टीम के कप्तान जल्द से जल्द पहुंचे आप टॉस बॉक्स में क्योंकि स्वरूप इलेवन गंधारी टीम के कैप्टन कप्तान वहां पे आ चुके। टॉस किया जाएगा पहले और इस मुकाबले में जाते हम तब तक मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, कौन हुआ मैन ऑफ द मैच का हकदार। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार बन चुके बिल्कुल जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी किया।